कहे जाने वाली यानी दिल्ली मेट्रो अब 7 सितंबर से एक बार फिर से पटरी पर उतरने के लिए तैयार है। आखिरी बार लगभग 5 महीने पहले दिल्ली मेट्रो चली थी, जिसकी बात कोरोना के चलते और लॉकडाउन में मेट्रो बंद थी, और एक बार फिर से 7 सितंबर को मेट्रो पटरियों पर दौड़ेगी। और सबसे पहली स्टेज में राजीव चौक का जो मेट्रो स्टेशन है येलो लाइन, वो दौड़ना शुरू करेगी। मेट्रो के अंदर आने से पहले लोगों को कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहले ये है नियम कि मास्क पहनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो मास्क नहीं पहनेगा उसको अंदर जो है वो एंट्री नहीं मिलेगी। और किस तरह से जो तस्वीरें वो बदल गई हैं वो देखिए, सैनिटाइजेशन का यहाँ पर काम किया जा रहा है। जो मेट्रो का ये लिफ्ट है जो बुज़ुर्गों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है, उस पर अब एक पैडल है, यानी कि मेट्रो की ये लिफ्ट को बुलाने के लिए आपको ये पैडल दबाना होगा, जिसके बाद ये लिफ्ट नीचे आएगी। और लिफ्ट के आने के बाद उसका जो दरवाज़ा है वो भी ऑटोमेटिक तरीके से खुलेगा। लिफ्ट के अंदर भी 3 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं रह पाएंगे, ताकि सामाजिक दूरी बनी रहे, इसलिए कम से कम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। तो कई सारी जो चीज़ें हैं, कई सारे जो नियम हैं वो बदल गए हैं, और इन बदलाव के साथ जो है लोग यहाँ पर यात्रा कर पाएंगे। देखिए जगह जगह पर जो है CISF के जवान तैनात हैं, जगह जगह पर हैंड सैनिटाइज़र की बोतलें रखी गई हैं, और जगह जगह पर जो है सामाजिक दूरी का पालन हो सके इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। केमिकल के छिड़काव किए जा रहे हैं, तो जैसे ही कोई मेट्रो के अंदर आएगा उसको मास्क पहनना ज़रूरी होगा, और सैनिटाइजेशन के लिए वो यहाँ पर आएगा, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, हाथ यहाँ से सैनिटाइज करना होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर मशीन है, टेम्परेचर स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद अंदर वो दाखिल होगा। और अंदर किस तरह से जो है तैयारियां हुई हैं वो देखिए, ये जो फर्श आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर लाल कलर के स्टिकर्स नज़र आ रहे हैं, सामाजिक दूरी बनी रहे इसलिए यहाँ पर इस तरह के स्टिकर्स लगाए गए हैं। अलग अलग जगहों पर जागरूकता से भरे हुए बैनर्स, पोस्टर्स लगाए गए हैं मेट्रो के द्वारा, जैसे कि हैंड सैनिटाइज करें, मास्क पहनें और दूरी बनाए रखें। इसलिए देखिए किस तरह से अनाउंसमेंट भी यहाँ पर की जा रही है, जो घोषणाएं पहले मेट्रो में की जाती थी, जो कई लोगों का आकर्षण थी, अब वो घोषणाओं में भी बदलाव हो गया है, उन घोषणाओं में भी चेंजेस किए गए हैं कोरोना काल को देखते हुए, जैसे कि सामाजिक दूरी बनाए रखी। अब ये नई चीज़ है बैग सैनिटाइजेशन पॉइंट, यानी कि यहाँ पर जो भी आपके पास बैग है, सामान है, उसको आप देखिए मेट्रो को कर्मचारी मौजूद होगा, और केमिकल का छिड़काव कुछ इस तरह से किया जाएगा मेट्रो के अंदर आने के बाद यात्रियों के सामान का, और उसके बाद उन्हें अंदर जो है एंट्री मिलेगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो जवान तैनात हैं वो लगातार घोषणा कर रहे हैं, लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि मास्क लगा करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, जो भी मेट्रिक आइटम है पॉकेट में अपने बैग में रखिए, शांति बनाए रखिए। देखिए जो गार्ड्स भी हैं वो भी पूरी तरह से फेस शील्ड ग्लव्स के साथ यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे, जो लोगों को चेक करेंगे, और अंदर जो है एंट्री के बाद जो चेकिंग है वो की जाएगी, तो सामाजिक दूरी बनी रहे इसलिए एक एक लोगों की चेकिंग की जाएगी। जब आप यहाँ पर स्कैनिंग के लिए अपना सामान रखते हैं उसमें भी एक एक करके लोगों का सामान अंदर रखवाया जाएगा। और ये पहली जो है ये स्टेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी जो तैयारियां हैं वो मेट्रो के अब चलने के लिए पूरी हो चुकी है, और कई सारे नियम हैं, कई सारे बदलाव हैं जिनके साथ यात्री जो हैं वो यात्रा करेंगे 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो में। जब आप यहाँ से थर्मल स्कैनिंग वगैरह करवाने के बाद यहाँ पर सभी सुरक्षा के जो नियम हैं, कायदे हैं, उनसे गुजरने के बाद अंदर दाखिल होंगे, तो क्या बदला हुआ नज़र आएगा। देखिए इस तरफ दाहिनी तरफ मेरे कि ये टिकट घर हुआ है, करता था यहाँ पर, अभी बंद है, क्लोज है। इस तरह के जो है पोस्टर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये इसलिए पैम्पलेट लगाए गए हैं यहाँ पर क्योंकि अब जो टोकन वाला सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अब जो है वो टोकन नहीं मिलेंगे यात्रियों को। यात्री जो है वो अब स्मार्ट कार्ड के ज़रिए ही जो है मेट्रो के अंदर
यात्रा कर सकेंगे। जगह जगह पर आप देखिए किस तरह से सफाई की प्रक्रिया चल रही है, सैनिटाइजेशन किया जा रहे हैं, केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। तो ये जो स्मार्ट कार्ड है वो भी कैशलेस हो चुका है, डिजिटल हो चुका है, यानी कि अब उसको रिचार्ज अगर करना होगा तो ये काउंटर पहले हुआ करता था जहाँ से आप कार्ड रिचार्ज करा सकते थे, लेकिन अब आपको वो डिजिटली रिचार्ज कराना होगा। टोकन की जो भी सिस्टम था वो भी अब नहीं होगा। तो लगभग 3 लाख से 4 लाख जो है यात्री यात्रा करते थे कोरोना से पहले, और सामाजिक दूरी बनी रहे ये निश्चित करने के लिए अलग अलग जगहों पर जो है आपको मैसेजेस दिखेंगे, संदेश दिखेंगे, साथ ही साथ आपको निशान दिखेंगे ज़मीन पर, चिन्ह दिखेंगे लाल कलर के। यहाँ पे भी देखिए किस तरह से ज़मीन पर ये निशान है ताकि सामाजिक यहाँ पर दूरी लोगों के बीच में बनी रहे। तो मेट्रो एक बार फिर से पूरी तरह से तैयार है, धीरे धीरे करके 3 स्टेजेस में मेट्रो चलना शुरू होगी, यानी कि पहली स्टेज में येलो लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन ये चलेंगी, दूसरी स्टेज की बात करें तो ग्रे लाइन, मेजेंटा लाइन चलेगी, और तीसरी स्टेज में जो आखिरी स्टेज है उसमें एयरपोर्ट लाइन को भी लोगों को के लिए खोल दिया जाएगा, यात्रियों की यात्रा के लिए खोल दिया जाएगा। सामाजिक दूरी के स्टिकर्स आपको हर जगह पे नज़र आएंगे, और ये पूरी प्रक्रिया है जो नए नियम हैं, नए कायदे हैं कोरोना की जो महामारी है उसको देखते हुए ये कायदे लोगों पर लागू कर दिए गए हैं, और इन नियमों को मानते हुए लोग अब जो है मेट्रो की यात्रा कर सकेंगे। कोच के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं, जब पैसेंजर सीट्स पर बैठेंगे तो क्या क्या बदलाव नज़र आएगा, देखिए 2 सीटों के बीच में आपको एक स्टिकर लगी हुई सीट नज़र आएगी जो कि सामाजिक दूरी 2 लोगों में बनी रहे इस वजह से यहाँ पर लगाया गया है, ताकि जब 2 लोग बैठे उनके बीच में एक सीट का गैप हो। और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर किस तरह से सफाई का जो है वो काम चल रहा है, छिड़काव किया गया है, जो भी केमिकल्स हैं उनका छिड़काव किया गया है, जगह जगह पर केमिकल छिड़काव किया जा रहा है। ये लेडीज़ कोच है और लगभग 40 से 50 लोग एक बार में इस कोच पर में बैठेंगे, सफ़र करेंगे, और जो इस कोच के खुलने का समय है यानी कि जब एक प्लेटफॉर्म पर ये मेट्रो रुकेगी तो जो खुलने का अवधि है मेट्रो के गेट्स वो भी बढ़ा दी जाएगी, ताकि जो यात्री हैं वो आराम से उतर और चढ़ सके, कोई धक्का मुक्की ना हो, कोई भीड़भाड़ ना हो, इस वजह से मेट्रो का जो इंतज़ार है वो भी बढ़ा दिया गया है, अवधि भी बढ़ा दी गई है। देखिए किस तरह से जो है सीट्स पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का काम यहाँ पर चल रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर संदेश लगाए गए हैं, पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं जिसमें अलग अलग संदेश लिखा है। देखिए किस तरह से बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर लिखा गया है मेट्रो, और मेट्रो के बाद मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि M से मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, E से एवरी पैसेंजर मस्ट वेयर मास्क, मास्क पहनना अनिवार्य है, T से टचिंग सर्विस शुड बी अवॉइडेड, यानी कि किसी को भी सतह छूने की इजाज़त नहीं है, कम से कम सतह छूए क्योंकि कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाता है, रेगुलरली अपडेट आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप होना भी ज़रूरी है मेट्रो में सफ़र करने वालों के पास, और दूसरा ऑप्ट फॉर स्मार्ट कार्ड, यानी कि स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करें, कैशलेस होगा स्मार्ट कार्ड, डिजिटली आप उसको रिचार्ज कर सकेंगे। तो जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है, उचित दूरी देखिए एक और ये अलग सा यहाँ पर हमें पोस्टर नज़र आया है, मेट्रो में यात्रा करते समय उचित दूरी बनाए रखें, इस तरह से जागरूक करने वाले यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, बड़ी अच्छे से लोगों को समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ये एक और पोस्टर देखिए, असली योद्धा वही है जो सही से यात्रा करे, ताकि जो यात्री हैं उनका मनोबल यहाँ पर बढ़ सके। मुश्किल समय है कोरोना का, और इस मुश्किल समय में लोग कई दिनों से घरों में कैद थे, और अब काफ़ी टाइम बाद अब मेट्रो भी शुरू हो चुका है, तो एक तरह से कह सकते हैं जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो भी पटरी पर अब धीरे धीरे आ रही है। ऐसे में कई सारे बदलाव किए गए हैं, मेट्रो की रुकने की अवधि हो या फिर मास्क पहनना अनिवार्य किया जाना हो, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर किसी मेट्रो स्टेशन पर भीड़ भाड़ जुटी, यानी कि अगर कोई स्टेशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा यात्री हुए, तो ऐसा भी मेट्रो के जो
कर्मचारी हैं वो फैसला ले सकते हैं कि उस स्टेशन पे मेट्रो को रोका ना जाए। तो अब ये पूरा लोगों के ऊपर होगा कि किस तरह से वो इस सुविधा का फ़ायदा उठाएंगे और किस तरह से समझदारी सूझबूझ के साथ मेट्रो में अब सफ़र करेंगे, क्योंकि कोरोना का काल है, समझदारी ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नए नियमों और कायदे के साथ एक बार फिर से दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो पटरियों पर 7 सितंबर से लौट रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र दीक्षित के साथ इलाक आजमी, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।